झुंझुनू की जी राजनीति है बिल्कुल यो केंद्र बिंदु भी गोरियो है। ओला साहब ने अपने टाइम में पूरा विकास यहाँ किया है। खेतरी वाले वहाँ ले गए कि आप हमारे यहाँ हो। गांव में स्नेह हुआ तो फिर वो स्नेह आगे बढ़ता बढ़ता हिंदुस्तान तक चला गया। पूरा झुंझुनू से आप खड़े चल जाओ तो सब ने तो नाम से जाना करता। 5 किलो की आखा जाया करता। मन ने के डूब के मरनो है ता नहीं चाहे जब मन क्या चाहे। मेरा ब्याह करवाया श्री राम जी। पर पानी तो मारा क्या मारियो 3 साल हो गयी। विजेंद्र ओला का बात यह पानी बंटवारो ही है एक तरह को। वो कुए को पानी परंजा है और ऐ कुए को पानी उरना है। झूठ बोल रहे हैं इनका आगे कहना आ रही मैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि मिल रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि मिल रहा है, क्या चक्कर है। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी। 40% स्कॉलरशिप के साथ 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरमेंट के साथ। राम राम जी नमस्कार। मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू तर बहुत बहुत स्वागत है। और कैमरा निशांत के साथ आदमा पूछा झुंझुनू का है ता नाम दिख रहे होगा पीछे रड़ावता गांव। और एक गांव का अगर बात करूं तो झुंझुनू की जी की राजनीति है बिल्कुल यो केंद्र बिंदु भी गोरियो है। यानी यो जो गांव है जो लोग हैं वह झुंझुनू को लगभग आधी शताब्दी यानी कि 50-60 साल से जगह राजनीति के अंदर सक्रिय ही। हमने समझ गया होगा मैं बात कर रही हूँ ये गाँव का जगह वर्तमान जगह अपना झुंझुनू का जगह विधायक ही विजेंद्र जी ओड़ा और जगह मंत्री भी अभी अपने राजस्थान सरकार के अंदर ही। और भी सब पहले के बात करें कि जहाँ शीशराम जी ओड़ा जगह है वह 1957 से जगह है राजनीति के सक्रिय ही। और भी बाद में बात करें कि मंत्री भी रिया राजस्थान सरकार के अंदर भी रिया है, लोकसभा के अंदर भी मंत्री रिया है। और अभी आप बात करें विजेंद्र जी ओड़ा की तो बे जगह है राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री ही और लगातार 3 बार से जगह है विधायक रह चुके हैं अपने झुंझुनू से। तो आज आप गाँव के अंदर आया हाँ बातचीत आप करांगा कि जहाँ शीशराम जी ओड़ा ही बनकी पुरानी यादें भी गाँव से जुड़ रही हैं तो काफ़ी बड़ा बुजुर्ग से बातचीत करांगा कि बनकी कोई याद बनकर ताज़ा हुआ है। साथ में आप बात करांगे गाँव की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आप करांगा कि कौन सी चीज़ें की जगह कमी गांव के अंदर ही कौन सी अच्छाई गांव के अंदर ही सारी बातचीत आप कराँगा। तो वीडियो जो को शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना है। राम राम दाऊ जी। राम 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 राम। थोड़ी सी आप बात कर लिया पुराने टाइम की भाव बात कर लिया तो शीशराम जी ओड़ा जी के साथ में थे रेड़ा हो गया पटेड़ा कुछ और कुछ ज्यादा था हुआ ताजा। ओड़ा साहब ने अपने टाइम में पूरा विकास यहाँ किया है उसी की बदौलत आज विजेंद्र भी कामयाब हो रहा है राजस्थान की सरकार में स्टेट मिनिस्टर है। बचपन की बात करना थे भी थोड़ा सा बन से उम्र में कुछ कम हो लेकिन कुछ बचपन की याद था ताज़ा हुई तारा। ओड़ा साहब पहले अडावता में रिहा करते थे फिर स्कूल यहाँ थे नहीं ओज तो जाया करते थे पढ़ने के लिए। अच्छा ओस्टो में ही स्कूल थी एक पढ़ाई के मामले में। अच्छा मैंने बताओ कि सबसे पहले जो कुछ चुनाव हो वह 1957 के अंदर बड़े लड़े आए खेतरी के अंदर। हाँ। तो बिको के कारण हो झुंझुनू से लड़की खेतरी के अंदर लड़ो के कारण खेतरी में लोग जनप्रिय ज्यादा थे वहाँ पर वो वहाँ के लोग खेतरी वाले वहाँ ले गए कि आप हमारे यहाँ आओ यहाँ से चुनाव लड़ो इसलिए खेतरी जाना पड़े उनको। फिर वोटा क्यों आया ये तो फिर डिस्ट्रिक्ट में आ गए फिर इधर भी उनका मनोबल बढ़ता गया वर्चस्व कायम हो गया लोगों में विश्वास बढ़ गया। उसके बाद तो आपको परिणाम का पता ही है पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में सिरमौर रहे हो बड़की। तो देखो अगर आप राजनीति की बात करा तो मेरे हिसाब से टाइम कम पड़ जाओ शब्द कम पड़ जाएगा। एक लंबी जगह लिस्ट है बड़की एमएलए की बात कर ले एमपी की बात कर ले कैबिनेट मंत्री भी रेड है सारा पद बड़ा कर लिया गाँव वाला के साथ में किसों के व्यवहार हो बड़को। गाँव के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है बात में छूछे में गाँव में पूरे गाँव की तरह से उन्होंने सब काम किए हैं। अच्छा जैसे पहले ब्याह शादी में कोई रुपया दिया करता था ओड़ा साहब ने वही काम किया। गांव में स्नेह हुआ तो फिर वो स्नेह आगे बढ़ता बढ़ता हिंदुस्तान तक चला गया। अच्छा थोड़ा सा ऐसा कुछ और लोगों से जान लिया मैंने बताओ कि थारे भी कोई याद आ जाएंगे शीशराम जी के टाइम की। कोई अच्छा ही काम करे अल्डाव तो सबसे पहले बिजली लेके आया वो रोड सबसे पहले लेके आया लड़कियों की कॉलेज उसने बनाई यहाँ। रोड की मैं देख रही हूँ कि रोड की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है तो फूटती रहती है रोड तो। लास्ट टाइम कद बनी 5 साल होगी। अच्छा तो अब कोई बनने को प्रस्ताव करा के कुछ। हाँ बनेगी अभी सरपंच के उसमें आएगा बजट में तो बनेगी। कुछ छोटा टाइम की वो याद है वो तो उसके बाप की शक्ल से बता देता है फलाने का लड़का है फलाने का पोता है। यह चीज मेरी सुनी रही है कि नाम और शक्ल बन के बहुत खतरा याद दिया करती। हाँ बहुत पूरा झुंझुनू से आप खड़े चल जाओ तो सब ने तो नाम से जाना करता नाम से जानता। यह भी एक मतलब कोई कलाकारी है कलाकारी की मेमोरी बहुत तेज थी इसीलिए तो वो इंडिया में नाम कमा गया। बता रहे कि कुछ युवा शक्ति जी की भी अपने साथ में मौजूद दबा साहब जान लिया। हाँ हाँ जी राम राम जी। राम राम। तो थे तो मेरे हिसाब से ज्यादा कोई याद थारी कोनी होगी शीशराम जी के साथ में। शीशराम जी की याद घनी मेरे तो शीशराम जी के काम करेडा है इतना काम करेडा है कराई गुने हो गया खड़े का के बेरो के करो मैं बताई गुन सको इतना काम करेडो शीशराम जी को। गांव में मेरी बात सुनो आज नगर पालिका में जितनी सुविधा है वही इतनी अल्टावतम कर रहा शीशराम जी। बताओ मन चढ़ाओ जो सुविधा अल्टावतम को नहीं आएगी क्या सुविधा बताओ मन थे। हॉस्पिटल अल्टावतम
पशुओं को हॉस्पिटल अल्डावतम, प्राइमरी स्कूल अल्डावतम, बारहवीं की स्कूल अल्डावतम, लड़कियां की स्कूल अल्डावतम, बंक अल्डावतम, पोस्ट ऑफिस अल्डावतम, मंडी अल्डावतम, बीएड कॉलेज सगड़ी अनाज मंडी अल्डावतम। बताओ क्या होना चाहिए? शीश राम जी इतना करायो है कि ते पूछो मता। बाकी मारे चंदेलिया जी है ने उन्हें बहुत बढ़िया करो। एक मरियो तो कोई आदमी मरियो तो उनकी मुँह कान को ले आयो, कह के ब्याम को ले आयो। हाँ जी, राम राम जी। हाँ राम राम। राजनीति की बात आप करता रहा, एक आप पर्सनल अगर आप बात करा कि जाए कोई शीश राम जी के टाइम की कोई याद था रहे जाए अगर हो कि भाई देखिए तारा मतलब कहते भूल नहीं सको दे। देखो ये कि तो आती रहती मैं तो घणो ही मेरे पिताजी के साथ उठे दुकान ही कॉलेज में। अच्छा। तो उठे शीश राम जी कन खूब जाया करता, मतलब वह मेवा बहुत खाया करता। अच्छा। काजू किशमिश तो मैं खुद पकड़ा के अगर तो भाई याद है मेरे घटना आज तक खूब खाता मटर। मटर की 5 किलो की आलू बाढ़ के 5 किलो की खा जाया करता। रोटी नहीं खाता मैं, रोटियां जुड़ती को ना शुद्ध खाना है वो खाया करता वो, उनको तो काम ही अलग। 1986 में वाला साहब ने ताजा वाला एड से राजस्थान का झुंझुनू जिले का पानी मंजूर करवाया था। उसके बाद आज तक राजस्थान की जनता प्यासी, उस पानी का रास्ता अभी तक नहीं निकाला किसी ने। नहीं तो बात होता नहीं, मैं समझ गया कि चलो बे कुछ कर ही गए हैं। नहीं तो बे भी तो आपके पीछे नेता थी छोड़ गए ना, बे क्यों कौन कर रहे हैं फिर प्रिया? और भी तो नेता है राजस्थान में, बीजेपी का भी है, दूसरी पार्टी का, उनने पानी कौन चाहे कि कोई कौन बोले आज तक भी। शीश राम जी एकला तो खूब प्रयास करे हैं हर जगह, मतलब टेंडर भी हो चुका है और कोई भी नेता दूसरा नहीं कहता ओला नहर लिया हुआ, तो ओला तो बढ़िया ही करना चाहो। बिल्कुल सही बात है, पानी तो ऐसा नहीं चाहे है, चाहे तो पूरी जनता ने भेड़ो होना चाहे। भाई एक बात बताऊं था ना, मेरे याद है झुंझुनू रैली हुई साहब करी ही, तो मैं बोला कि भाई जनता आओ मैं दिल्ली में वहाँ उनको दिखाऊंगा कि मेरे ये पानी के लिए कितनी तरस रही है। तो वहाँ सिर्फ 5,000 आदमी आए झुंझुनू में, उस रैली में मैं भी हो, 5,000 आदमी आया। जो ओड़ा साहब आया कि भाई मैंने दिल्ली में ये कहा है कि लाखों आदमी वहाँ इकट्ठे हैं, तुम 5,000 ही आया हो, मन के डूब के मरना है ता नहीं चाहे जब मन क्या चाहे, तो जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। उनका मतलब ये था भाई जनता जब तक पानी के लिए नहीं कोसेगी ने इतना कौन देगा अपन पानी, जनता अपनी उठ रही को ना। दूसरा नेता है बट टांग खिंचने में लाग रहे हैं कि ओड़ा साहब ले आओगे तो उनको नाम हो जाओगे। चलो भाई बता, आप बात करें कि शीश राम जी की बात होगी, कुछ आप बात बिजेंद्र जी की कर लें। अभी तो शायद अडावत रहता को नहीं रहे ना, हर शनिवार इतवार ने तो अडावत में रहे, तो आमी दिन गाँव साथ में मिलो जुलो खूब गाँव का जहाँ है खूब। वह तो बहुत सीधा आदमी है ओड़ा साहब। अब आमी दिन मतलब टाबरा से ओड़ा से बड़ा से सबसे मिलो दोस्ती है, बच्चाओं भी खूब ज्यादा दोस्ती है। ये तेने घर दिखाऊंगा, यहाँ की कई घर फोटो मिलेंगे तन। तो आप देख रहे हैं कि बैठक के अंदर शीश राम जी की फोटो प्रदेश का सोनिया गांधी के साथ में और बिजेंद्र जी की फोटो भी उड़ा है। एक या ओड़ा जी की फोटो थे ना, देखिए बहुत पुरानी फोटो यह है, इंदिरा जी के साथ की फोटो है। तो पूरा जो बैठक है वह भर रखी है फोटो से शीश राम जी की और बिजेंद्र जी की फोटो के। मैं कहूँ मैं तो शीश राम जी में जब मैं है ना हमारे माँ बापा का जो पहली उम्र बाप आऊँ तो रह मैं जिद का साथ है और जिद हूँ जाना और मार तो काम भी वो है ना वो सो करी करण वो काम कर दियो सकूँ। बिगले कोई मनाई को नहीं करी, मनाई कोई नहीं करी। अच्छा। क्या की कोई काम के लिए गया थे कोई लंगड़ा लुला नाल डाव तो वहाँ का ब्याह के लिए मना कोई नहीं करी, सब आ दिया सब आ दिया, कोई बान बैठेड़ा बाजगा बान में भी आ दिया और क्या बुझोगा बताओ। खेती गया कि कोई काम के लिए कहते मन करे मेरे ब्याह करवाए शीश राम जी, मन तो पिताजी मानती मैं तो अनसदा का। अब बिजेंद्र जी के साथ हैं, बिजेंद्र जी बहुत अच्छा है अपना कहने तो। मैं की मीटिंग में पहली चोट में मार गांव लेके गई भी साथ गई और उरे रिया तो भी साथ रिया काम कराऊंगी बढ़िया। हाँ राम राम जी। राम राम जी। राम राम। अडाव तो गांव का ही होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो आज मैं बताओ कि सर गांव के अंदर आया हाँ, कोई रोड की कोई पानी की कोई शिक्षा की कोई शिकायत था ना हुआ? काम तो यहाँ आगे बढ़िया करियो है पर पानी तो मारा आँखें मारियो 3 साल हो गए उरे। क्यों आँखें क्यों आ रहे हैं? पीने को पानी नहीं है गाँव में। तो नहर को पानी कौन पूछोगे पिता के? नहर तो पूरा कट्ठी है साहब, पूरा एक कुआ है 800-800 रुपये पर्ची पड़वा लियो, 3 महीना बाद में तारा पानी आओगे। मारा पुरानिया कनेक्शन है उनमें पानी को नहीं, नया कनेक्शन का पीछा कहें दे दें हमें, पानी आओ तो पीछा भी दें हमें। तो के पानी के भरके लिए जाना पड़ेगा? हाँ के तो टंकी में लिया पर कुआ मुँह जाके लेना पड़े सिर पर। घर नल में पानी को नहीं और देख लो तारा गए खंडा तो कई गाँव में देखा कर ऊंची ऊंची टंकी आ गई बात से जाए हर गाँव के अंदर अपने उरे भी हैं 2 टंकी हैं और उनमें भी पानी को नहीं क्योंकि पहले तो आया कर तो कोई टाइम है वो कुआ का हुआ सगड़ा फैल हो गया भी हो ये कुआ चल है जब ओड़ा ओड़ा का तो पानी आवा है पर चल है जब उठे से लिया रोड पर ओड़ा ओड़ा ही मंगा हाँ अड़का बिजेंद्र ओड़ा का आ रही हो बात यह पानी नहीं भाग गए तो भाई एक ही बात है परिवार तो है ही उनको बंटवारो कर रखे ये बंटवारो हाँ यही मान लो थे बंटवारो ही है एक तरह को क्योंकि वो कुआ को पानी परंजा है और ए कुआ को पानी उरना है तो ए कुआ का तड़ा गड़बड़ा लागे जब पानी की पूर्ति हो रही को न और कुओ रह गयो एक ही हो और एक कुओ जो बना के दियो हो वो कुओ फैल हो गयो पानी को नया।
पहले पानी आएगा तो खूब पानी आऊँ तो चलो देख पानी की बात होगी। शिक्षा संबंधी गाँव में स्कूल वगैरह ही बन स्कूल की ये बताऊंगा क्योंकि स्कूल के बारे में नॉलेज बने आदमी हूँ। हाँ जी थे बताओ स्कूल को के माहौल है? बढ़िया एक नंबर है? पढ़ाई बढ़िया होगी एक नंबर और सब कुछ ठीक है? कोई शिकायत करे नहीं मंत्री जी से कोई शिकायत करे नहीं? तो गाँव उतारो ये है अरडा तो ही है। तो मैं बताओ कि थारे गाँव में जो कि कौन सी चीज़ें की जायद में आ रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए? अभी देख रहे हैं कि रोड को काम चल रहा है और कुछ साइड में रोड की कमी भी है, कौन सी चीज़ें की सुविधाहीन और कौन सी अभी भी कमी थाना महसूस हो रही है? अभी तो ये दो महीना से लमसम हो गए गाँव के बीच जो रस्तों है यो खराब पड़े है के ऊपर मिट्टी डाल रखी है, कोई बाहर से आ रहा है कोई खड़ोत से निकल रहा है। रोड बन रही की बात कर रहे होगे? हाँ एक ही तो मिट्टी तो फिर सीमेंटेड रोड है तो मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो अभी तक तो दो महीना होगा सब परेशान है बड़ी गाड़ी को डाला बाहर के जाए रोड बड़ा दो महीना होगा दो महीना का हो लिया कोई है ना यो एक साइड में टुकड़ो अगड़ानी मोड़ पर यो अभी पूरा तैयार करे हुए है। तो अभी खड़ोत से कोई झांझोत से इन्हें के घूम के पूरी बस इन्हें के निकल के जा रही है ये बाहर के घूम के आ रही है। तो कुछ मूलभूत आवश्यकता की बात करें क्योंकि रोड को दे तो एक ठेकेदार को मामलो है अरडावता के अंदर यानी कि पूरी तरह पानी कौन पहुँच रहा सुबह सुबह पाइप खूब पड़ेंगे ये पड़े ही है पणियनारायण को काम कौन चल रहे हो थोड़ा बहुत कटे हो रहा है गांव के अंदर जो नीचे वो बास है उड़े तक पानी कौन पूछा है वह आदमी यानी कि एक ही जो सामने मंदिर है अपने वो मंदिर के पास में भर के लेके जाए। राम राम जी। राम राम जी। और परिचय देते एक बार। मैं डॉक्टर विश्वदीप स्वामी वीओ अरडावता हॉस्पिटल वेटनरी में। तो कौन सी चीज़ें की कमी थाना भी महसूस हो रही है? नहीं कमी तो मन को ही महसूस को नहीं हो रही वेटनरी हॉस्पिटल उ रहा है PSC उ रहा है अब शायद ही बजट में आयुर्वेद हॉस्पिटल की भी घोषणा कर दी स्कूल हो रहा है 12th तक सब कुछ है हो रहा है कोई गाँव वाला व्यवहार किस हो गया ना बढ़िया व्यवहार है। नेताजी वगैरह अमित नायक रहेंगे आज हैं कोई मैं इतना तो को नहीं बन टाइम मिल रहा क्योंकि अब मंत्री बन रहे हैं जना टाइम को नहीं लेकिन संभाल भोग रहे हैं पूछ भोग रहे हैं। तो सब ठीक चल रहा है कोई समस्या ना कोई समस्या? तो जहाँ थे उरे के लेना है मैं तो साहब दवाई लेना आया जुकाम हो रही है मिल गई हाँ तो हमेशा आओ ना दवाई वगैरह टाइम पर मिल जाएगी टाइम पर मिलते हैं टाइम पर खुलते हैं टाइम पर ड्यूटी देते हैं कोई समस्या नहीं है सब कोई समस्या को ना कोई समस्या को नहीं सब दवाई टाइम पर मिले दवाई टाइम पर मिला जुकाम लागो हाँ चाहे कुछ हो ये भी दवाई लेना है दवाई लेना ही हूँ क्या दवाई लेना है बच्ची है बच्चा पीओ को तो शिकायत बता रहे थे मैं कि उरा दवाई को मिल रही तो या के है या आज दिन हरियाली के दी है देखो आज तो मिल गई आज तो मिली है एक गोली नहीं कौन मिला नहीं दस्त के लिए ना पिछली बार ये लिख के दीनी ही अच्छा हाँ तो मिली नहीं ना कौन मिली तो और कोई भी कोई नहीं पूछ लियो चाहे जब उरा दवाई मिलती हो तो मेरे बिना और गांव में घूम के फिर के पूछ लियो नहीं बार तो कुछ अंदर ताऊ जी बता रहे हैं कि मिला ताऊ जी झूठ बोल रहे हैं इनका आगे कहना आ रही मैं अंदर दवाई देख लियो ते माने कौन करो। हाँ डॉक्टर साहब तो ये कुछ लोग बता रहे हैं कि मिल रहा है कुछ लोग बता रहे हैं कौन मिल रहा है क्या चक्कर है मिल रहा है साहब दवाई जब जब अवेलेबिलिटी होती है तब सब मिलता है और नहीं होती तो कहाँ से मिलेगी ये बताओ कई बार सामने से आओगे ना हाँ बस वैसे मोस्टली रहता है किसी टाइम कुछ मतलब डिले हो जाए तब नहीं मिले तो बाहर की तो लिखनी पड़ेगी। राम राम जी। राम राम जी। मैं PSC अरडावता पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधीर शर्मा। मैंने बताओ कि उरा जो वो कौन सी चीज़ें की सुविधा उपलब्ध है अरडावता गाँव में और कौन सी कमी था महसूस हो रही? कमी तो कोई नहीं है सारी चीज़ बिल्कुल ठीक है जैसे मंत्री जी को गांव में जाना है या फिर हर जगह ही नहीं 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 मंत्री जी का पूरा सपोर्ट है वैसे लेकिन सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं फिलहाल 100 से ऊपर तो OPD चल रही है PSC की कहीं कहीं पर तो CHC भी नहीं है बाकी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत 322 प्रकार की दवाएँ उपलब्ध हैं और मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के अंतर्गत 15 प्रकार की जाँचें यहाँ की जाती है। 322 से दवाई बताई ये मौजूद हैं कि सगली हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद हैं और 24 घंटे प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। नया कोविड वार्ड बनकर तैयार हो चुका है स्टाफ के लिए क्वार्टर्स बन रहे हैं जो फिलहाल निर्माणाधीन हैं और जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएंगे। खड़ो मतलब ये है कि सब चीज़ें जो कि प्रॉपर ही कोई भी चीज़ की कमी था महसूस हो रही है? बिल्कुल कोई चीज़ की कमी नहीं है स्टाफ भी बिल्कुल ठीक है और OPD भी अच्छी चल रही है कोई दिक्कत नहीं है। राम राम जी। दवाई लेना है होगी? हाँ दवाई वगैरह सब मिल जाएंगी प्रॉपर टाइम पर? हाँ मिल रहा आओ दवाई मिली नहीं है कहीं तो नहीं कदम ना ना सब मिल जाएंगी। हाँ डॉक्टर साहब भी साग हैं बढ़िया हैं कोई शिकायत को नहीं? ना मेरा नाम संगीता है मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ अरडावता थल्ड है। तुमने बताओ कि उरा कितना बच्चों को एडमिशन है? 12 को। तो सब जो डेली लगभग आए रहेंगे? हाँ डेली 8-9 बच्चे आ जाते हैं। तुमने बताओ कि यो जो मंत्री जी को गांव है बाकी आप देखा कि झुंझुनू बाकी भी बहुत सारी हैं लेकिन वो थोड़ा सा गांव स्पेशल हो जाए क्योंकि मंत्री जी को गांव है कौन सी चीज़ें की कोई कमी था महसूस हो रही है कोई? नहीं सर सब चीज़ें प्रॉपर हैं। हाँ टाइम पर कोई सामान है कोई बिल्डिंग की
बिल्डिंग की कोई समस्या करे? ना, ये स्कूल बंद हो जाती है ना। अच्छा। तो बाहर पानी नलका नहीं है सर, ये गंदगी बहुत खिंडाते हैं शराब पीने वाले। चारों तरफ जगह लोग की जाली लगा रखी लेकिन वह बिल्कुल टूट चुकी है। हाँ। तो एक चार दीवारी की जगह समस्या अपन सामने आई है। तो स्कूल बंद हो जाए तो शायद भी टाइम खत्म हो जाता होगा आंगनबाड़ी को भी। मारो मान ली स्कूल बंद हो जाना है, जब ये शराब पीने वाला है यहाँ पर खाना भी खाते है, ये गिलास यहाँ पर पेशाब खुद यहीं पर करते हैं। चार दीवारी की थोड़ी सी समस्या और जी कारण टॉयलेट है ने वो भी खराब कर दिया सारा। तो याद किया अपने मांग थोड़ी प्रशासन तक आगे पहुंचाने की जरूरत है कि चार दीवारी के चारों में रहो है ताकि बच्चा थोड़ा सा सेफ जोन के अंदर रह सके। और अभी आप जो अड़ाव तक गाँव की जगह राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय अभी का बिल्कुल आप सामने खड़े हैं और उरा जगह वाइस प्रिंसिपल ही बाइट देने से मना कर रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि मैं कुछ भी बताना कौन चाहूँ कि चीज़ को डर जो को है वो के है कि कमियां ही कि अच्छाइयां ही कुछ ज़्यादा आप इसके बारे में स्कूल के बारे में आप बता कौन सका क्योंकि बातचीत करने से जो बड़ा मना कर दियो। तो वीडियो ने पूरा दिन थाना के लगा कि अड़ाव तक गाँव में जो कि वह कौन सी चीज़ें कि अभी थाना कमी महसूस हो रही है, कौन सी जगह अच्छी चीज़ें देखिए थाना लगी गाँव के अंदर हर जगह राय है माना करना उसको जरूर होगा। वीडियो जो को वो लाइक शेयर जरूर कर देना है और जल को जुनू के साथ तारो प्यार ऐ बनाए रखो।